और तेलंगाना से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। तेलंगाना कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों को पहली सूची में उम्मीदवार बनाया है। पहली सूची कांग्रेस की तेलंगाना के लिए जारी हो चुकी है। बता दें कि कई दिग्गजों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको तेलंगाना से बता रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए जारी कर दी है अपनी पहली सूची। पहली सूची में कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 55 नाम शामिल है और बता दें कि 55 नाम इस बार कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए घोषित किए हैं। कई दिग्गजों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और अगर बात की जाए मांचेरियल की, तो वहां से कोकी राला को उम्मीदवार बनाया गया है। निर्मल से कोचादी श्री हर राव को टिकट मिला है, उनको उम्मीदवार बनाया है। बोधन से अगर बात की जाए तो सुदर्शन रेड्डी को टिकट मिला है, उनको उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अगर बालकोंडा से बात की जाए तो सुनील कुमार मुथाला को टिकट मिला है, उनको उम्मीदवार बनाया है। जगतियाल से जीवन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। और बता दें कि रामागुंडम से राज ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। और इसके अलावा अगर पेड्डा पल्ले की बात की जाए तो यहाँ से चिंता कुंता विजय रमना को टिकट मिला है। मेदक से मैनपल्ली रोहित राव को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जाहिराबाद से बात की जाए तो अगम चंद्र शेखर को टिकट मिला है, उनको उम्मीदवार बनाया है। संगरेड्डी से थ्रूपू जग्गा रेड्डी को टिकट दिया गया है। और बता दें कि गजबेल से थुमकुंटा नरसा रेड्डी को टिकट दिया है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 55 उम्मीदवार इस सूची में शामिल है। बता दें कि इस सूची में कई दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है चुनावी समीकरण के हिसाब से। और बता दें कि 30 नवंबर को वहां पर मतदान होने हैं। मांचेरियल से कोकी राला को उम्मीदवार बनाया गया है और निर्मल से कुचादी श्रीहर राव को टिकट मिला है, उनको उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा बोधन से बात की जाए तो बोधन से सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया है। और बालकोंडा से सुनील कुमार मुथा लाका को टिकट दिया है, उनको उम्मीदवार बनाया है। जगतियाल से जीवन रेड्डी को टिकट मिला है। और अगर दूसरी सीट की बात की जाए रामागुंडम की, तो यहाँ से राज ठाकुर को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, टिकट मिला है। पेड्डा पल्ले से चिंताकुंता विजय रमना राव को टिकट मिला है, उनको उम्मीदवार बनाया है। मेदक से मैनमपल्ली रोहित राव को टिकट मिला है, उम्मीदवार बनाया है। अगर जाहिराबाद की बात की जाए तो अगमचंद शेखर को टिकट मिला है और संगरेड्डी से थ्रूपू जग्गा रेड्डी को टिकट मिला है। और गजबेल से बात की जाए तो थुमकुंडा नरसा रेड्डी को टिकट मिला है।